हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय के क्षितिज भाग का पहला लेसन, जिसके हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। और तीसरे भाग में हमने पढ़ा था किस प्रकार झूरी के जो बैल हैं वह अपने साले को दे देता है और वहाँ से वो वापस रस्सियाँ तोड़वा कर अपने घर वापस पहुँच जाते हैं। और किस प्रकार फिर आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार झूरी का साला उन बैलों को फिर वापस ले जाता है और वहाँ उसकी छोटी बच्ची से उन बैलों का प्रेम हो जाता है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी, दो बैलों की कथा का आज चौथा हिस्सा। तो दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, यानी कि पहले दिन वो बैल वहाँ से रस्सियाँ तोड़वा के वापस झूरी के पास आ गए थे, तो झूरी का साला फिर आ गया उन बैलों को लेने के लिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी कि पहले तो वो पैदल लेके गया था उनको, अब की बार उनको गाड़ी में जोत लिया उनको, अर्थात जोड़ दिया और उनको लेके चल दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में खड्डा वगैरह गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, उसकी जो सहन शक्ति थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, अर्थात उसने झूरी के साले को मज़ा चखाना चाहा, परंतु दूसरे ने उसे क्या किया, संभाल लिया कि चलो अपने ऐसा नहीं करें। संध्या यानी कि शाम, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, यानी कि अब की बार मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया, अर्थात उसे झूरी के साले ने उन बैलों को सजा दी। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, खाने योग्य जो पदार्थ था वो भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, ऐसा इन निरादर या ऐसी अपमान बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात झूरी जो इनका वास्तविक मालिक था बैलों का, वो इन्हें कभी भी फूल की भांति, यानी कि कभी इनको किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं देता था। उसकी टिटकार यानी कि मुंह से निकलने वाला शब्द जिससे बैलों को हांका जाता है, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि हवा से बातें करने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत समान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, यानी कि एक तो अपमानित किया और ऊपर से खाने योग्य पदार्थ भी अच्छे नहीं मिले। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, यानी कि जो भूसा डालने का, अनाज डालने का या जिनको चारा डालने का स्थान था उसकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, आंख तक न उठाई अर्थात देखना तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाम न उठाने की कसम खा ली थी, वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाम नहीं उठाए अर्थात कोई काम नहीं किया। एक बार जब दूसरे दिन कसम खा ली, वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाम तक नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने, यानी कि दया नहीं करने वाला निर्दयी ने, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ एक लकड़ी का बना होता है जो दो बैलों के गलों में डाला जाता है, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, गले में पड़ी अगर रस्सियाँ न होती तो दोनों
पकड़ाई में नहीं आते, पकड़ाई में नहीं आते अर्थात पकड़ में नहीं आते अर्थात दोनों वहां से भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा यानी कि चुपचाप साइलेंट तरीके से मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है यानी कि यहां से भागना क्या है, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, मोती ने फिर उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, यानी कि एक दूसरे से आत्मीयता प्रकट कर रहे हैं और दूसरा कह रहा है। मोती ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया हीरा को, कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी अर्थात आपको बहुत ज़्यादा इसने पीटा है, अब की बड़ी मार पड़ेगी और अब की बार और भी ज़्यादा मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, अर्थात बैल रूपी योनि में जन्म लिया है तो मार तो अपनी किस्मत में लिखी ही लिखी है, तो मार तक कहाँ तक, मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी, अर्थात दोनों बैल आपस में सलाह करते हैं और मोती ने क्या कहा, कहो तो मैं इसे झूरी के साले को मजा चखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है, हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, अर्थात मैं भी उनसे क्या करूंगा, मुकाबला करूंगा। नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी कि उसने जो विचार बनाया था वह अपने मन ही में उसने दबा लिया अर्थात उसे छोड़ दिया, अर्थात त्याग दिया उसने अपना विचार। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया पहुंच गया इतनी देर में और दोनों को पकड़ कर ले जा रहा है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की और कुशल, और सौभाग्य की बात ये थी, अच्छी बात ये थी कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता अर्थात वापस हमला कर देता। उसके तेवर देखकर यानी कि उसके इरादों को देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, गया के साथ जो उसके साथी आए थे वो समझ गए कि इनका भी जो मूड है वो ख़राब है, समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, टाल जाना ही क्या है, मसलहत है। तो मसलहत का अर्थ क्या होता है, मसलहत का अर्थ होता है हितकारी है, क्या है, मसलहत का अर्थ क्या होता है, हितकारी, क्या होगा, हितकारी यानी कि हित को करने वाला। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, यानी कि उस एक एक रोटी से इन दोनों की भूख शांत नहीं होने वाली थी, पर दोनों के हृदय को, मन को, दिल को, अंतरात्मा को, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो, अर्थात वे बहुत ही ज़्यादा उस बच्ची के प्यार को देखकर संतुष्ट हुए। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, सत प्लस जन, अच्छा इंसान, सत्य रूपी पुरुष, अर्थात उस लड़की के लिए उन्होंने कहा है कि ये भी क्या है, एक सज्जन लड़की है अर्थात अच्छी लड़की है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात आत्मीयता का मतलब अपनापन सा हो गया था। तो आज के लिए
इतना ही, इसमें से कुछ प्रश्न कि गया का साला और उसके साथी जब बैलों को पकड़ने आए तो उन्होंने अपना विचार, बैलों को पीटने का विचार क्यों त्यागा, इस प्रश्न का उत्तर करना होगा आपको। साथ में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनमें से भी कुछ प्रश्न करने होंगे। जैसा कि कल पहले वाले में बताया था, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ये प्रश्न आपको करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।